Hello guys, welcome to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja and today we will be going to discuss important topic from anatomy, physiology or medical surgical nursing. Yes, from the unit skeletal system. In this topic we will be discussing the different parts of skeletal system, their function and other thing. And in upcoming videos from this unit only we will be discussing the types of joints, types of bone and fracture and some more important topic, because one or two questions are always expected from this unit in your any competitive exam or in your written exam. So let's begin. First, parts. It is mainly made up of parts like bone, joint, cartilages, ligaments and tendons. Bones. As we all know, bone is the 1/3 connective tissue and forms the main supporting framework of our body. Pura jo apni body ka dhacha hota hai wo kisse banta hai? Bone se banta hai. Function bones ka agar dekhe toh support karta hai puri body ko, प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे ऑर्गन्स को जो अपने होलो ऑर्गन है या जो अपने फ्रेजाइल ऑर्गन्स है. और इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट. इट इज द साइट फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशंस बिकॉज वी नो हिमेटोपोइसिस टेक प्लेस इन बोन मैरो एंड विच इज द पार्ट ऑफ एनी लॉन्ग बोन. एंड इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ मेनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर सॉल्ट्स. Then comes cartilages. Cartilage is also a connective tissue. It is mainly composed of cells and fiber. जैसे bone calcium और other minerals से बनी होती है तो वैसे ही cartilages अपनी cells और fiber से बने होते हैं. अगर हम cartilages का types देखें तो it can be hyaline cartilage, it can be fibrocartilage or it can be elastic cartilage. And their location is also as you can see on your project. So then comes to the anatomy of long bone. अगर हम long bone में देखें तो mainly दो parts होते हैं, diaphysis, epiphysis. जो बीच का part होता है bone उसको हम diaphysis या shaft बोलते हैं और जो एंड वाला पोर्शन होता है बोन का उसको हम दोनों एंड को क्या बोलते हैं, एपिफिसिस बोलते हैं. और इनके बीच में होता है जो होलो स्पेस दैट इज मेडुलरी कैविटी या कैविटी ऑफ द शाफ्ट हम बोलते हैं. इसके अंदर मेनली बोन मैरो होती है. इट कैन बी येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो. येलो बोन मैरो मेनली फैट होता है, रेड में मेनली जहां अपना ब्लड फॉर्मेशन होता है बच्चों में वो रेड बोन मैरो होती है. एंड विद टाइम ड्यू टू ऑसिफिकेशन इट कन्वर्ट्स इनटू रेड बोन मैरो. देन कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन. अदर पेरिओस्टियम का मतलब होता है अराउंड द ओस्टियम. ओस्टियम मेनली हम ओस्टियोसाइट्स किसके सेल को बोलते हैं, बोन के सेल को बोलते हैं. और उसके अराउंड जो एक तरह से अपना कवर होता है उसको हम पेरिओस्टियम बोलते हैं. और शार्पेज फाइबर एक चीज है जो मेनली पेरिओस्टियम को सिक्योर करते हैं, मीन्स पेरिओस्टियम के सराउंडिंग में जो होता है उसको शार्पेज फाइबर बोलते हैं. देन अपनी बोन के अंदर हर चीज की सप्लाई होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स. देन बोन फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग. विद टाइम आर बोन गेट ओसिफाइड, मीन्स ओसिफिकेशन होता है टाइम टू टाइम, रीमॉडलिंग होती रहती है, मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन. और पहले जब बच्चा होता है तो उसके अंदर मेनली स्केल्टन में क्या हाइलाइन कार्टिलेज होती है एम्ब्रोयो के टाइम पे. देन ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो अपनी कार्टिलेज है वो रिप्लेस होकर क्या बन जाती है, बोन हो जाती है. पूरी बोन अपनी रिप्लेस नहीं होती, कुछ पार्ट में मीन्स थ्रू आउट द लाइफ कार्टिलेज रहती है, जैसे टिप ऑफ नोज, पार्ट ऑफ रिब्स और सम जॉइंट्स एंड आर ईयर लोब में वहां पे क्या रहती है, कार्टिलेजेस ही रहती है. देन टाइप्स ऑफ बोन सेल, मेनली तीन टाइप के बोन सेल हमें पता होना चाहिए ना, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोसाइट्स मींस जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं हम उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट मींस जो बोन को बनाते हैं, मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं, कैल्शियम डिपोजिशन में, तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट मींस उसको जो डिस्ट्रॉय करते हैं, डीमिनरलाइजेशन कराते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट. कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बोन फॉर्मिंग सेल्स और बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्लास हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए. देन द इम्पोर्टेंट पार्ट, स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट कैन बी एक्सियल, इट कैन बी अपेंडिकुलर. एक्सियल आप जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं पिक्चर में दैट इज एक्सियल, मींस मेनली क्या आता है इसमें, स्कल, थोरेसिक कैविटी एंड वर्टिब्रल कोलम. एंड इट कैन बी अपेंडिकुलर, मीन्स दोज अपेंडेजेस. अपेंडेजेस मीन्स जो पिंक पोर्शन है मेनली आर लिम्स और आर पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, एक्सियल स्केलेटन. इट मेनली फॉर्म्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एज आई विल टोल्ड, स्कल, वर्टिब्रल कोलम एंड बोनी थोरैक्स. फर्स्ट, स्कल. स्कल हमारी दो सेट के बोन से बनती है, क्रेनियम एंड आर फेशियल बोन. टोटल इसमें 22 बोन होती है, क्रेनियम की अपनी 8 बोन होती है, मीन्स जो अपनी खोपड़ी होती है, एंड फेशियल बोन अपनी 14 होती है. और जो ये बोन से मेनली सूचर्स से ये जॉइंट होते हैं, मीन्स जो इनके जॉइंट्स होते हैं वो सूचर्स होते हैं, जो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे जॉइंट्स जब हम पढ़ेंगे. और इसमें सिर्फ एक ही फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है दैट इज मैंडिबल, जो अपना जो के अंदर होता है, जबड़े के अंदर होता है. सो फर्स्ट, क्रेनियम एक अपना बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 8 फ्लैट बोन है अपनी. वो हम देखेंगे कि बोन कितने टाइप की होती है दूसरे टॉपिक में. सो
फर्स्ट अपनी आती है फ्रंटल बोन जो मेनली अपने फोरहेड को बनाती है और आईब्राउज के वहां पे होती है, आई ऑर्बिट में होती है। पैराइटल बोन जो मेनली सुपीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ जो अपनी क्रेनियम होती है उसको बनाती है। टेम्पोरल जो अपने कान से ऊपर वाला एरिया है, मीन्स पैराइटल से इंफीरियर एंड कान से ऊपर टेम्पोरल बोन अपनी दो होती है। देन ऑक्सीपिटल जो मेनली अपना पोस्टीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियम बनाते हैं। स्फिनोइड मीन्स मेनली जो अपना क्रेनियम कैविटी के फ्लोर को, यहाँ जो वाला पार्ट है उसको बनाते हैं। इथमोइड मीन्स फॉर्म्स द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, हम फोटो में देखते हैं। दैट इज जो आप फ्रंटल देख रहे हो येलो कलर का है फ्रंटल बोन। देन कम्स टू द पैराइटल जो साइड वाली ये ग्रीन वाला बोन है। टेम्पोरल जो ऑरेंज कलर वाला पार्ट है, पीछे ब्राउन वाला अपना ऑक्सीपिटल बोन है। ये मेनली अपना क्या है, क्रेनियम है। आगे इथेमोइड आप देख सकते हो आई सॉकेट के वहां पे मेनली है, और स्फिनोइड भी ये पिंक कलर का जस्ट किसके आगे है, अपनी टेम्पोरल बोन के आगे, स्फिनोइड बोन। सो देन कम्स टू द फेशियल बोन, 14 बोन्स होती है। नेजल की सबसे ज्यादा इसमें बोन आ जाती है अपनी, मेनली जैसे नेजल सेप्टम वाला एरिया है, ठीक है। देन आंखों के यहाँ लैक्रिमल वाली बोन को दो बोन हम दोनों आंखों के इधर से काउंट करते हैं। देन पैलेटाइन अपने नाक के इधर ही होती है, और जो ब्रिज वाला एरिया है दैट इज वोमर, एंड देन साइड वाली जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो इन्फीरियर नेजल कोंक का दो अपनी ये बोन होती है। देन अपनी तीन बोन जो किया जाती है, दो मैक्सिला एंड एक मैंडिबल वाली जो होती है। देन अपनी ये वाला एरिया है जो जाइगमोटिक बोन इसमें है, आप पिक्चर में देख सकते हो ग्रीन कलर की। सो टोटल 14 बोन्स फेस की, 8 बोन्स अपनी क्रेनियम की, टोटल 22 जो अपना पूरा किस चीज को बनाती है, फेस और क्रेनियम मिलके अपना क्या बनाते हैं, स्कल बना। देन पैरानेजल साइनसिस मीन्स दीज आर द होलो पोर्शन ऑफ बोन सराउंडिंग द नेजल कैविटी, जैसे इथमोइड साइनस, स्फिनोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ वॉइस और रेजोनेंस। देन कम टू द हायोड बोन, हायोड बोन एक ऐसी बोन है जो मेनली अपने गले में होती है कह सकते हैं। ये एक अकेली ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं हो रहा, मीन्स इट इज जॉइंट फ्री, कहीं पे भी कोई जॉइंट नहीं है। इट मेनली सर्व एज ए मूवेबल बेस फॉर द टंग। देन कम्स टू द वर्टिब्रल कॉलम, टोटल इसके अंदर 26 वर्टिब्री होती है। मेनली हम वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड करते हैं, दैट इज सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कोकिक्स से सेपरेटेड होती है इंटर वर्टिब्रल डिस्क से, और इसका कर्वेचर नॉर्मल अपना एस शेप, और हर वर्टिब्रा को उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग नाम दी है। फर्स्ट जो 7 सर्कल होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7, सो फर्स्ट का नाम होता है एटलस, सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं उसका नाम होता है एक्सिस, 1 to 7 सर्वाइकल। देन T1 to T12 इज थोरेसिक, एंड देन L1 to L5 इज लंबर, एंड नीचे सैक्रम एंड कोकिक्स। सैक्रम मेनली 5 बोन के फ्यूज होने से बनी है, और कोकिक्स भी मेनली 4 बोन के फ्यूज होने से अपनी बनी है। वर्टिब्रल कॉलम का अपनी पूरी बैक को सपोर्ट करना होता है, जो स्पेस होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है जो बहुत सारी मोटर एंड सेंसरी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो टिपिकल वर्टिब्री का, जो एक बोन है वर्टिब्रल कॉलम की, तो उसमें पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है, इसके अंदर स्पाइनस प्रोसेस होता है, बीच में जो होल होता है उसको वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं, जो प्रोजेक्शन उसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, और इसके अंदर पेडिसल्स होते हैं। देन बोनी थोरेक्स मेनली फॉर्म्स ए केस टू प्रोटेक्ट मेजर ऑर्गन्स लाइक आर हार्ट, लंग्स एंड अदर थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन है, ये मेनली T1 to T12 होती है। फर्स्ट जो 7 रिब होते हैं उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, लास्ट वाली जो 8 to 12 उनको फॉल्स बोलते हैं, और जो अपनी 11th और 12th है वो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से अटैच नहीं है। ये मेनली किस चीज से अटैच होती है, पीछे किसी वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम से, जो अपनी चेस्ट बोन होती है उसको। स्टर्नम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग इज मैनिब्रम बॉडी, एंड नीचे जिफोइड प्रोसेस जो उसकी टिप होती है स्टर्नम की, आप पिक्चर में देख सकते हो। और ये मेनली जब स्टर्नम से अटैच होती है तो किस कोस्टल कार्टिलेजेस से, जो आप स्काई ब्लू पोर्शन देख रहे हैं, और इन रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उनको हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। ये आपने बेसिक भी पढ़ा होगा क्लासेस में, सो आई एम जस्ट गिविंग द रिविजन पार्ट ओनली। देन comes to the appendicular skeleton, means mainly the limbs or are limbs or pectoral girdle and pelvic girdle. So we will discuss, first thing is pectoral girdle, it is composed of 2 bone mainly. Now we will discuss the appendicular skeleton, it mainly consists of 3 part, limbs means upper limb, lower limb, pectoral girdle and pelvic girdle. First जो अपना पेक्टोरल गर्डल है या शोल्डर गर्डल है, मेनली उसमें 2 बोन होती है, क्लेविकल जिसको कोलर बोन बोलते हैं, स्कैपुला जो अपनी शोल्डर बोन होती है, और दीज बोन्स अलाउ द अपर लिम टू हैव एक्सेप्शनली फ्री मूवमेंट। अपना जैसे अपर लिम में हर टाइप की मूवमेंट होती है, मैं आपको जब जॉइंट्स बताऊंगी तो कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, जैसे आप देख सकते हो। देन बोन्स ऑफ अपर लिम, एक अपनी अपर लिम में इसको हम क्या बोलते हैं, एक बोन होती है सिर्फ, सिंगल बोन, दैट इज ह्यूमरस। देन अपनी फोरआर्म होती है उसके अंदर 2 बोन होती है, दैट इज अल्ना एंड रेडियस।
देन बोन्स ऑफ अपर लिम अपनी जो अपना एक पहले रिस्ट वाला पोर्शन होगा फिर अपना पाम वाला होगा फेलेंजेस तो रिस्ट वाले को हम कार्पल्स बोलते हैं जो मेनली 8 होती है देन मेटाकार्पल्स हम बोलते जो अपनी 5 होती है देन फेलेंजेस अपनी टोटल 14 होती है तो पहले है कार्पल रिस्ट में 8 है तो कौन कौन सी है पिजोइड ट्रेपीजियस स्कैफोइड कैपिटेट लूनेट ट्राइक्यूट्रेट पीसीफॉर्म एंड हैमेट जो आप अपनी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे देख सकते हो देन कम्स टू द मेटाकार्पल्स मेटाकार्पल्स 5 होती है अपनी देन कम्स टू द फेलेंजेस हर उंगली में मेनली अपनी कितनी 3 बोन होती है थंब में 2 होती है तो टोटल एक हाथ में हमारी 14 फेलेंजेस हो जाती है दोनों में 28 और अगर हम पैर की भी मिला के दोनों पैर की हाथ की मिला के टोटल 56 बोन अपनी होती है देन बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल हिप बोन मेनली इसके अंदर आती है हिप बोन फ्यूज होके 3 बोन फ्यूज होती है तो हिप बोन बनती है मेनली किस किस बोन के फ्यूजन से इलियम ईशियम एंड प्यूबिस जो टोटल बॉडी का वेट होता है वो किस पे रहता है अपना पेल्विस पे रहता है और ये प्रोटेक्ट करती है जैसे थोरेसिक कैविटी अपनी प्रोटेक्ट किसको करती है थोरेसिक ऑर्गन्स को लंग्स हार्ट तो वैसे ही ये जो अपना लोअर ऑर्गन्स है लोअर बॉडी पार्ट में तो उनको करती है जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन देन कम्स टू पेल्विस जैसे आप देख सकते हो इलियम ईशियम प्यूबिस के फ्यूजन से अपनी हिप बोन बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेल्विक का एक एक लैंडमार्क सब कुछ क्यों क्योंकि मेनली लेबर के टाइम पे अगर हमें ओबीजी में लेबर समझना होता है तो पेल्विस हमें अच्छे से आना चाहिए तो देन बोन्स ऑफ लोअर लिम मेनली जो अपनी थाई बोन है एक सिंगल बोन है दैट इज फीमर एक लॉन्ग बोन है जो अपर आर्म में ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है वैसे ही फीमर जो थाई में होती है वो एक लॉन्ग बोन है देन जो लोअर लेग होता है उसके अंदर 2 बोन होते हैं टीबिया एंड फिबुला देन कम्स टू द फुट फुट के अंदर अपना जो लोअर लिम्ब होता है उसके अंदर सबसे पहले एंकल आता है जिसको हम टार्सस बोलते हैं फिर अपना सोल आता है एडी जो अपना मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस या टोज हमारा होता है तो जो टार्सल होता है उसके अंदर कितनी बोन होती है टोटल 7 बोन्स होती है इसमें आप नाम देख सकते हो क्या क्या रहेगा मीडियल क्यूनिफॉर्म लेटरल क्यूनिफॉर्म इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म नेविकुलर क्यूबॉइड एंड अपना टेलस एंड कैल्किनस ये मेनली किसके अंदर आ जाएगा अपना एंकल के अंदर आ जाएगा सोल के अंदर अपनी मेनली 5 होती है इसके अंदर मतलब फर्स्ट मेटाटार्सल सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फेलेंजेस में जैसे मैंने पहले भी बताया टोटल अपनी 28 फेलेंजेस होती है दोनों फुट की मिला के इन दिस टॉपिक वी हैव सीन इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम सो कीप वॉचिंग फॉर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ बोन अंटिल वी मीट हैव ए नाइस डे